हे एवरीवन, वेलकम टू द लैपटॉप सीरीज। लैपटॉप सीरीज में हम आपको रेकमेंड करते हैं लैपटॉप्स इन एवरी कैटेगरी इन एवरी बजट। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप्स फॉर VFX आर्टिस्ट। तो अगर आप ब्लेंडर, सिनेमा 4D, ऑटोडेस्क, माया, हूडिनी, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हो और एक लैपटॉप लेना चाहते हो अपने लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप्स रेंजिंग फ्रॉम 40,000 टू 1 लाख प्लस। तो आप अपने बजट के हिसाब से अपने लिए सही लैपटॉप आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो वैसे VFX के जो सॉफ्टवेयर है ना, बहुत ज़्यादा हार्डवेयर डिमांडिंग होते हैं, मतलब आपको अच्छे CPU, GPU और RAM वाले लैपटॉप्स लेने पड़ेंगे। एक सही चीज़ ये होगा कि अगर आप अपने लैपटॉप सिलेक्ट कर रहे हो VFX के लिए, तो आपका बजट 50,000 के ऊपर हो तो सही है, बट मैं कम बजट वाले भी अच्छे ऑप्शंस बता दूंगा। मतलब आप अगर VFX सीख रहे हो, बजट बहुत ही टाइट है, तो आप इन लैपटॉप्स को भी कंसीडर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज़। यहाँ मैं आपको रेकमेंड करूंगा Acer Aspire Lite, जो कि आता है Ryzen 5 5500U के साथ। ये लैपटॉप मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये इकलौता लैपटॉप है इस बजट में जो कि आता है 16GB RAM के साथ। तो आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो टू लर्न VFX। सो अब बात करते हैं लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीज़। यहाँ मैं आपको रेकमेंड करूंगा Acer Aspire 7, जो कि आता है Ryzen 5 5500U, जो कि सेम प्रोसेसर है, बट यहाँ पे आपको एडिशनल एक ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है जो कि है 1650। इस ग्राफिक कार्ड से आपको रेंडरिंग में हेल्प होगी। अगर आप बिगिनर हो तो इस लैपटॉप को भी आप कंसीडर कर सकते हो। इस लिस्ट में एक और लैपटॉप है जो कि है MSI GF63 Thin। इसमें आपको i5 11260H देखने को मिलता है विद 1650 ग्राफिक कार्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट अंडर 60,000 रुपीज। हियर आई विल रेकमेंड Acer Aspire 5, जो कि आता है i5 13 जेन के साथ विद 16GB ऑफ रैम एंड RTX 2050 ग्राफिक कार्ड। तो गाइस, अगर आप एक RTX ग्राफिक कार्ड लेते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होता है रेंडरिंग में, रेंडरिंग टाइम काफी कम हो जाता है। और एक और चीज VFX में ना, अभी के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आपको आप एक NVIDIA वाले ग्राफिक कार्ड वाले ही लैपटॉप्स लें। मतलब AMD ग्राफिक कार्ड्स भी अच्छे होते हैं फॉर गेमिंग, बट VFX सॉफ्टवेयर्स के लिए NVIDIA ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है अभी के लिए। अगर बजट 55,000 तक है, तो आपको Acer Aspire 5 का एक i5 12 जेन का भी वेरिएंट मिलेगा, विच ऑल्सो कम्स विद 16GB ऑफ रैम एंड RTX 2050। सभी लैपटॉप जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगला लैपटॉप है वो है MSI GF63 Thin, जो कि आता है i7 11800H के साथ। इसमें आपको GTX 1650 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स जंप टू द बजट अंडर 70,000 रुपीज। हियर आई विल रेकमेंड Acer Nitro 5, विच कम्स विद Ryzen 5 7535HS। इसमें आपको RTX 3050 देखने को मिल जाता है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है Lenovo IdeaPad Gaming 3, जो कि आता है i5 12 जेन के साथ। इसमें भी आपको RTX 3050 देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट 80,000 है, तो आप कंसीडर कर सकते हो Acer Nitro V, जो कि आता है i5 13420H के साथ। इसमें आपको लेटेस्ट RTX 4050 देखने को मिलता है। अगर आपका बजट 90,000 है, तो आप कंसीडर कर सकते हो HP Victus, जो कि आता है Ryzen 7 7840HS के साथ। इसमें आपको RTX 3050 का 6GB का वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और अगर आपको बजट का उतना इशू नहीं है, आप 100,000 तक खर्चा कर सकते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा Acer Nitro 5, जो कि आता है i7 12650H के साथ। इसमें आपको ग्राफिक कार्ड जो है वो देखने को मिलता है RTX 3070 Ti, जो कि 106,000 में करेंटली मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है इस RTX 3070 Ti वाले ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप के लिए। ऑल्सो आप HP Omen 16 भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आता है Ryzen 7 6800H के साथ। इसमें भी आपको RTX 3070 Ti देखने को मिल जाता है। इन लैपटॉप को आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर VFX रिलेटेड वर्क। ये थे VFX रिलेटेड मेरे रिकमेंडेशन। आने वाले टाइम में जो सेल आ रहा है, उसके लिए भी हम सेल पे जो अच्छी डील होगी उसके बारे में बताएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, तब वो वीडियो आए तो आपको पता चले। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे ही लैपटॉप मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप चेक कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।